हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पटेल टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जिसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का सपना देखा, लेकिन उसे किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना पड़ा। जिसने सपना देखा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के किसी बड़े से बिल्डिंग के किसी एसी ऑफिस में बैठ करके एक मोटी सैलरी पर काम करने का, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद जो उसे जॉब मिला वो एक सेल्समैन का मिला, वो भी सिर्फ 12,500 रुपये महीने पर। लेकिन जब उसने जॉब छोड़कर के बिजनेस करना शुरू किया तो सिर्फ 3 सालों में 100 करोड़ की कंपनी बना डाली। तो इस स्टोरी में बढ़ने से पहले बिजनेस आइडियाज, बिजनेस स्टोरीज और सक्सेस स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, जेके मुरलीचंद ने वीआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद एक ऑटोमोबाइल कंपनी में 12,500 का जॉब सेल्समैन के रूप में शुरू किया। तब वो ना ही अपने जॉब से खुश थे और ना ही अपनी सैलरी से, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में वो जॉब करना था। तब किसी ऑटो एक्सपो में एक दूसरे कंपनी के मैनेजर ने इन्हें काम करते हुए देखा, इनके काम के प्रति डेडिकेशन को देखा, तब उसने अपनी कंपनी में आने का ऑफर किया और पहले से इन्हें वहां कुछ ज्यादा सैलरी ऑफर हुआ। लेकिन वहां भी कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स होने के कारण इनका ट्रांसफर एक राजस्थान के एक दूर दराज क्षेत्र में कर दिया गया, जहां नया ट्रक बेच पाना बहुत ही मुश्किल था। तब इन्होंने देखा कि जिस जगह पर वो थे वहां पर नए ट्रक का नहीं बल्कि पुराने ट्रक का डिमांड ज्यादा है। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना पुराने ट्रक का ही खरीद बिक्री किया जाए, लेकिन इनके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं था, पर्याप्त राशि नहीं था कि वो अपना नया बिजनेस शुरू कर पाए। लेकिन फिर भी इन्होंने जॉब छोड़ करके बिजनेस करने का मन बना लिया था और तब इन्होंने सोचना शुरू किया कि ट्रक इंडस्ट्री में क्या किया जा सकता है। तब इन्होंने अपना जो भी अनुभव था, जो भी इनका एक्सपीरियंस था, उसे लगा करके इन्होंने सोचा ट्रेलर का बिजनेस शुरू किया जाए, ट्रक का ट्रेलर बनाया जाए। लेकिन इसके लिए भी उनके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं था। फिर भी उन्होंने जॉब छोड़ दी और राजस्थान के कठपुतली में उन्होंने एक बंजर जमीन रेंट पर ले लिया और वहां पर उन्होंने अपना सेटअप लगाया। फिर उन्होंने राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों से अनस्किल लेबर को बुलाया, उन्हें स्किल किया, उन्हें सिखाया, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिया। उसके बाद भी उनके पास ट्रक का ट्रेलर बनाने के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं था, जो भी रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है वो उनके पास नहीं था। तब उन्होंने अपना पुराने कॉन्टैक्ट्स लगाए और रॉ मटेरियल उधार लिए, बहुत सारे अलग अलग डीलर से अलग अलग चीज़ उसका रॉ मटेरियल ट्रेलर का उधार लिए। तब उन्होंने 2017 में अपना पहला ट्रेलर बनाना शुरू किया और 2017 के अप्रैल आते आते उन्होंने अपना पहला ट्रेलर बना करके 14 लाख रुपए में बेच भी दिया और यहीं से कोर बी कंपनी का शुरुआत हुआ। कोर बी ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाया और इसका मेन का जो कारण है वो ये है कि इन्होंने अपने कस्टमर का ध्यान रखा, अपने कस्टमर का इंटरेस्ट का ध्यान रखा। इन्होंने ऑन टाइम डिलीवरी दी, अच्छी क्वालिटी दी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड की। इसके अलावा इन्होंने ट्रेलर इंडस्ट्री में बहुत सारे इनोवेशन किए। इन्होंने इंडिया का पहला एल्युमिनियम ट्रक ट्रेलर बनाया, कोर बी ने इंडिया का पहला 52 टन ट्रेलर भी बनाया और यही कारण है कि बहुत कम समय में कोर बी ने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाया और 2017 से 2020 तक सिर्फ 3 सालों में कोर बी लगभग 100 करोड़ का कंपनी बन गया। आज कोर बी अलग अलग पर्सनलाइज हेवी ड्यूटी मशीन भी बनाता है, अर्थ मूविंग मशीन भी बनाता है और इन्होंने अपना कदम आयरन और एल्युमिनियम ट्रेडिंग में भी रख दिया है। तो कोर बी धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है और धीरे धीरे इंडियन मार्केट में आगे बढ़ रहा है। तो जेके मुरलीचंद की सक्सेस स्टोरी से हम और आप क्या सीख सकते हैं और किस तरह से अपने बिजनेस और अपने लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों, इस स्टोरी से हम यही सीख सकते हैं कि जो छोटी छोटी हमें नाकामी मिलता है उसे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे उन्होंने आईआईटी का तैयारी किया लेकिन उन्हें आईआईटी से इंजीनियरिंग करने को नहीं मिला, उन्हें एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि एक बड़ी सी कंपनी में एक मोटा सैलरी पर उन्हें काम मिलेगा, लेकिन उन्हें सिर्फ 12,500 पर सेल्समैन का जॉब करना पड़ा। सक्सेस हमें मिलेगा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, बस शर्त यह है कि आप मेहनत करना ना छोड़ें, जैसे कि जेके मुरलीचंद ने किया। और दूसरा चीज हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि कोई भी काम करें, छोटा हो या बड़ा हो, उसे हम सीखने का प्रयास करें और उसके आसपास अपनी नजरें खुला रखें। जैसे उन्होंने ऑटोमोबाइल में सेल्समैन का काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो ट्रेलर बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी था उन्हें उसे पहचाना, उसे आइडेंटिफाई किया। तो काम कोई भी करें, अपनी नजरें को खुला रखें, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना सीखें
और उसे ग्रैब करना सीखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ लेके आते हैं सक्सेस स्टोरीज, बिजनेस स्टोरीज और अलग अलग बिजनेस आइडियाज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।